तो हेलो गाइस, दिस इज़ यूनिक्स। और यार एक बार फिर से पबजी मोबाइल लाइट के ऊपर वीडियो लेकर मैं चला आया हूँ। तो यार इस वीडियो में बताऊँगा कि पबजी मोबाइल लाइट की जो 0.12.0 है उसमें हमें क्या क्या न्यू फीचर्स और क्या क्या नया देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा यार, अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि गेम का जो साइज़ हो वो इंक्रीज़ हो गया है। वो गेम 364 MB से 471 MB का हो गया है। और अगर इसे तुम्हारे फ़ोन पहले से मतलब कि पुराना 0.10 इंस्टॉल है, अगर उसे अपडेट करेंगे तो 209 MB का अपडेट जो है हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो लॉबी में किया गया। लॉबी में यार कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं, बट फिर भी इसमें चेंजेस किए गए हैं जो कि मतलब कि इसे थोड़ा अलग बनाती है। इसके बाद जो अपडेट आता है कि यार जो प्लेयर्स जो मैच खेलते थे उसमें पहले 40 प्लेयर्स होते थे, लेकिन अब इसको चेंज करके जो 60 प्लेयर्स कर दिया गया है। तो यार मतलब कि एक मैच में अब से 60 बंदे खेल पाएंगे। और यहाँ पे हमारा एक बड़ा अपडेट हुआ है मैप में। तो यार मैप को जो साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दिया गया, और इसमें जो कुछ न्यू जगहें ऐड की गई हैं जो कि पुराने मैप के मुकाबले जो मतलब कि ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा ही अच्छा भी लग रहा है इसमें। यार नेक्स्ट अपडेट आता है कि गेम में जो बगी को भी ऐड कर दिया गया था। यार पहले क्या था, पहले सिर्फ हमें कार मिलती थी, बट अब जो है हमें गेम में बगी मिलेगी, हम इससे भी ट्रैवल कर सकते हैं। और यार यहाँ पे कुछ न्यू गन्स भी ऐड की गई हैं जो कि इसमें Win 94 है और R45 वगैरह ऐड की गई हैं। और यहाँ पर जो सबसे मेन अपडेट है यार, सबसे बड़ा यहाँ पर जो मतलब कि ऐड किया गया वो है फ्लेयर गन। यार गेम में अब फ्लेयर गन भी है, तो हम इसे कब यूज़ कर पाएंगे और फ्लेयर से अपना ड्रॉप मंगा पाएंगे। बट इसके बाद एक और सरप्राइज़ है कि यार ड्रॉप में जो हमें RPG 7 देखने को मिलता है, जो कि मतलब कि एक बड़ा अपडेट है। यहाँ पर जो क्रेट्स, जहाँ पे क्रेट्स होते हैं बाय करते हैं, वहाँ पे भी कुछ नए क्रेट्स में बहुत सी अच्छी अच्छी ड्रेसेस ऐड किए गए हैं। और साथ ही जो यहाँ पे जो है शॉप में भी नए नए कपड़े ऐड किए गए हैं जिनमें हम सिल्वर कॉइन से भी बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ नया देखने को मिल रहा है कि यार यहाँ पे जो पोर्टेबल क्लोसेट, यार इसका यूज़ तो मैंने कभी नहीं किया, बट इसका यूज़ होता है कि यार हम एक ही मैच में जो है मतलब कि कई सारे कपड़े ले जा सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं उसे। तो ये जो है पबजी मोबाइल लाइट का एक नया फीचर है। सो गाइस, यहाँ पे जो सबसे बड़ा अपडेट आया है यार, अभी इसे अपडेट है या बग इस बारे में यार कंफर्म नहीं, बट यार बग तो ऐसा नहीं आ सकता गेम के अंदर। सो गाइस, यहाँ पर जो हमें जो है एरेंगर के अलावा दो और मैप देखने को क्लासिक में मिल रहे हैं, जो कि जो मीरामार और सैनहॉक हैं। तो ये जो मतलब ग्लिच है या बग है जो भी, ये कुछ देर के लिए अपीयर हुआ था, कुछ देर के लिए दिखा था, उसके बाद ये गायब हो गया था। तो यार मतलब कि मुझे समझ में नहीं है कि आखिर ये है क्या। हो सकता है कि ये लीक हो सकती है कोई, या फिर बग ग्लिच भी हो सकता है, बट यार गेम के अंदर इतना बग ग्लिच नहीं आएगा। और अगर आता भी तो यहाँ पे जो है हमें वीकेंडी भी देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ तीन ही मैप है। और बहुत पहले से जो न्यूज़ आ रही है कि जो मतलब कि हमें मैप्स जो हैं इसमें पबजी मोबाइल लाइट में भी न्यू मैप्स देखने को मिलेंगे, तो यार हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो यार एक और न्यूज़ यार कि मतलब कि ये जो सर्वर जो ऑफलाइन है यार, इसकी ये न्यूज़ आ रही है कि सर्वर जो है मेंटेनेंस मतलब इस 25 जून तक जो है गेम को ग्लोबली रिलीज़ करने की तैयारी किया जा रहा है, इसी सर्वर को मेंटेनेंस के लिए ऑफ किया गया है। इसे ऑनलाइन आने में 2-3 दिन भी लग सकते हैं, बट गाइस यार बात मानो कि कंफर्मेशन तो यही आ रही कि जो हमें जून के एंड तक जो है हमें ये गेम जो खेलने को मिल जाएगा, तो यार सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। यार अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।